हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस, ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जेट आईसीआर बीएचयू एग्जाम प्रिपरेशन। जैसा कि आपने एग्जाम है वो बहुत अच्छे से दे दिया है, जेट का एग्जाम है वो बहुत ही शानदार आया था, एकदम से इजी आया था, और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा उसको, और एकदम से इजी था तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं कि आपके केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से, जिसके अंदर हम फर्स्ट में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर तो जिसके अंदर हम पदार्थ की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर के अंदर किस किस की स्टडी करते हैं उसकी हम बात करते हैं कि मैटर के अंदर हम किस किस की स्टडी करते हैं। पदार्थ के संगठन, पदार्थ के बहुत रासायनिक अभिक्रियाओं, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं और पदार्थ के गुणों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, गुण कह दो या यूटिलाइजेशन की जिसके अंदर स्टडी की जाती है, वो आपका होता है मैटर। केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं और पदार्थ के उपयोगों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, वो आपकी सिंपल सी कहलाती है केमिस्ट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपका मैटर है वो मैटर क्या होता है। भाई मैटर भी तो होना चाहिए ना। तो मैटर के अंदर हम बात करते हैं कि मैटर आपका इस सराउंडिंग के अंदर जो भी आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, जितने भी चीजें जो उपस्थित हैं, वो सारी की सारी मैटर होती है। मैटर के अंदर मैटर क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो आपकी कहलाती है पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है पदार्थ। और केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पदार्थ के संगठन, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं और पदार्थ के यूटिलाइजेशन या पदार्थ के उपयोगों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, वो आपकी कहलाती है क्या, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के फादर की हम बात करते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोसी। एंटोनी लेवोसी हैं, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। फिर हम बात करते हैं कि मदर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो जो मदर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो हैं मैरी एने, मैरी एने। यहां पे बता देते हैं कि एंटोनी लेवोसी जो मदर ऑफ केमिस्ट्री है वो मैरी एने है, वो एंटोनी लेवोसी की वाइफ थी। इन्होंने बस ये काम किया था कि जो लेबोरेटरीज के अंदर इनके प्रैक्टिकल्स में हेल्प करती थी, इसलिए इनको मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। भारतीय केमिस्ट्री जो है, भारतीय जनक कौन है, वो है आपके कणाद भाई साहब हैं जो आपके भारतीय जनक है केमिस्ट्री के। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री की तीन ब्रांच होती हैं। केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो तीन ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती हैं केमिस्ट्री की? यहाँ पे आपके तीन ब्रांच होती हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अकार्बनिक रसायन, और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी कार्बनिक रसायन, ये आपके कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भौतिक अभिक्रियाओं के आपके जो उनके फिजिकल फॉर्मूले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जो अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन, इसके अंदर हम क्या करते हैं कार्बन की तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि कार्बनिक रसायन के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो कार्बनिक रसायन के अंदर अध्ययन किया जाता है कार्बन के यौगिकों की या कार्बन के व्युत्पन्नों की, जिसके अंदर स्टडी की जाती है वो आपके कहलाते हैं कार्बनिक रसायन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बात करते हैं कि इनके रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये बात हो गई सिंपल सी। अब हम बात करते हैं कि आपके भौतिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन है और कार्बनिक रसायन है, तीन टाइप के आपके रसायन होती है। इनके अंदर हम एक के अंदर पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसके अंदर तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ओनली तत्वों का। तो यहाँ पे तत्व हैं वो कोई से भी हो सकते हैं, तत्व हैं यहाँ पे तत्वों का अध्ययन। तो देखो तत्वों का अध्ययन कौन कौन से तत्व होते हैं, अब आपके पता है आपको कि आवर्त सारणी के अंदर टोटल 118 तत्व हैं, जिसके अंदर कार्बन का अध्ययन है वो तो कार्बन का अध्ययन किसके अंदर करते हैं अकार्बनिक रसायन के अंदर, और जो कार्बन के व्युत्पन्न हैं या कार्बन के यौगिक हैं उनकी स्टडी करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ज्यादा जो यूज में लेने वाले जो कंपाउंड है वो सभी किसके होंगे, कार्बनिक कंपाउंड होंगे, कार्बन से बने हुए होंगे सभी के सभी। तब कार्बन की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और कार्बन के यौगिकों जो कंपाउंड्स की स्टडी है वो की जाती है आपके किसके अंदर, कार्बनिक रसायन के अंदर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम बात कर लें, अब हम बात करते हैं आगे कि आपके अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी कार्बनिक रसायन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं आपकी कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले स्टडी के बारे में तो आपको पता ही है कि कार्बन के व्युत्पन्नों या कार्बन के यौगिकों की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स की है वो स्टडी की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कौन है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो फ्रेडरिक वॉलर हैं। ये फादर ऑफ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि पहले जैव सक्सिस सिद्धांत है वो ऐसे दिया गया था, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल नेचर से ही प्राप्त हो सकते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें हम लैबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था, जो कि इनकी बात है वो गलत सिद्ध हुई थी। क्यों गलत सिद्ध हुई थी ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बर्जीलियस ने बताया कि एक जैव शक्ति सिद्धांत
वर्जिलियस ने दिया था आपके जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इस जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर ये बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हें केवल हम नेचर से ही प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम लेबोरेटरीज के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर नहीं बना सकते, है ना, ऐसा वर्जिलियस ने बताया था। लेकिन ये बात बाद में गलत सिद्ध कर दी। किसने गलत सिद्ध कर दी? फ्रेडरिक वॉलर जो भाई साहब थे, इन्होंने गलत कर दी। कैसे गलत कर दी ये भी आपको बताते हैं, कैसे गलत कर दी। तो सबसे पहले जो भाई फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा उसी के बारे में तो हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो अमोनियम साइनेट था, सबसे पहले फ्रेडरिक वॉलर ने NH4CNO, ये आपका अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट था। अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरीज के अंदर इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बनाया था आपके NH2CO, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये कंपाउंड बनाया था, और ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है यूरिया। ये था आपका यूरिया, यूरिया है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यूरिया क्या था आपका? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक आपका कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके लिए हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। तो यूरिया की खोज है वो किसने की भाई? फ्रेडरिक वॉलर ने। यहाँ पे बात करेंगे ये किसने बताया था ऐसा, ये बताया था आपके फ्रेडरिक वॉलर ने, फ्रेडरिक वॉलर ने ये बात आपके बताई थी। तो फ्रेडरिक वॉलर ने ये बात बताई कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की थी अमोनियम साइनेट, जो एक इनऑर्गेनिक साल्ट था। अमोनियम ये क्या था आपका? इनऑर्गेनिक साल्ट था, इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट से इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया की डिस्कवरी की थी, और इन्हें फ्रेडरिक किसने की? फ्रेडरिक वॉलर ने की। उसके बाद में काफ़ी सारे और भी आए साइंटिस्ट, लेकिन फर्स्ट जो था वो यही था, है ना, जिसको लेबोरेटरीज के अंदर इन्होंने गर्म करके ये आपके किया था। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई अपनी सिंपल सी, अब इसके अंदर करते किसकी स्टडी है? कार्बन की स्टडी करते हैं ना, तो अपन कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आपको कुछ बेसिक चीज़ भी बताएंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी आई थिंक बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे फिर बात करते हैं। अब अपन को स्टडी करनी है कि यहाँ पर स्टडी करते हैं कि कार्बन की, कार्बन के यौगिकों की जो स्टडी की जाती है, कार्बन के यौगिक होते हैं इसके अंदर, कार्बन के यौगिकों की स्टडी करते हैं, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन क्यों किया जाता है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन कार्बन के यौगिकों का ही स्टडी करते हैं, वो इसी की क्यों करते हैं? तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पर सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि कार्बन एक, कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटेनेशन, कैटेनेशन की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन, कैटेनेशन मीन्स होता है आपका श्रृंखलन, कैटेनेशन का मतलब होता है यहाँ पे श्रृंखलन। तो कार्बन के अंदर ये जो श्रृंखलन की, जो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो काफ़ी सारे कार्बन के साथ मिलकर के एक चैन बना लेता है, एक चैन बना लेता है। इसलिए इसको, इसके कंपाउंड हैं वो काफ़ी सारे, हजारों लाखों में इसके कंपाउंड हैं कार्बन के, तो इसलिए इसको एक अलग ही बुक के अंदर रख दिया है। कौन सी? जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसकी बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की। तो चलिए अब यहाँ पे कार्बन की एक प्रॉपर्टी हो गई कि कार्बन की कैटेनेशन का प्रॉपर्टी होती है। दूसरी हम बात करते हैं कि कार्बन के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन के अंदर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल आपके ज्योमेट्री है वो होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है होती है। तो कार्बन के ये होगी। अब चैन है वो सीधी श्रृंखला भी भाई पाई जाती है कार्बन के अंदर, और एक आपके रिंग चैन भी इसके अंदर पाई जाती है। एक तो सीधी श्रृंखला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो सीधी श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है, सीधी श्रृंखला,
और क्या क्या पाई जाती है? सीधी श्रृंखला। और यहाँ पे रिंग चैन का फॉर्मेशन भी होता है, रिंग चैन भी फॉर्मेशन होता है, रिंग चैन भी बनती है। रिंग चैन कैसे बनती है कार्बन कार्बन की, कि ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये आपका कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपके बेंजीन रिंग का। तो ये यहाँ पे कुछ रिंग चैन की भी स्ट्रक्चर बनती है कार्बन की, ये भी प्रॉपर्टी होती है। और क्या प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कि इसके अंदर ये आपके और अदर कंपाउंड के साथ भी, अदर एलिमेंट के साथ भी, अदर एटम्स के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ। और एक चीज और मैं यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूँ कि यहाँ पे श्रृंखलन का गुण, एक तो कार्बन के अंदर पाया जाता है, एक यहाँ पे जो श्रृंखलन का गुण है वो सल्फर के अंदर पाया जाता है। सल्फर, सल्फर का एक कंपाउंड है S8 जो बनता है। तो यहाँ पे ये आपके, ये भी इम्पॉर्टेंट बात होती है, नोट लगा के ये आपको वो करना होता है कि सल्फर के अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो कार्बन के अंदर और सल्फर के अंदर भी आपकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि सल्फर S8 जो बनता है वो काफ़ी लॉन्ग चैन हो जाती है सल्फर सल्फर, तो सल्फर और सल्फर के बीच में ये आपके चैन है वो बन जाती है। तो इस तरीके से कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है, जो श्रृंखलन का गुण है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपके कार्बन के अंदर पाया जाता है। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं। ये तो आपके कार्बन की, अब देखो आगे बात होगी, एक तो ये चैन हो गई, कौन सी ये बात हो गई ना यहाँ पे कि रिंग चैन का फॉर्मेशन होता है। रिंग चैन के साथ में ही यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि रिंग चैन के साथ साथ में और क्या बनाते हैं, रिंग चैन के साथ में ये बनाते हैं आपके साइड चैन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ये साइड चैन का भी फॉर्मेशन करते हैं, है ना। साइड चैन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो साइड चैन कैसे बनती है, जैसे ऐसे देख लो, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये इसके साथ में रिंग चैन बना ली, ये इसके साथ में बना ली, ये इसके साथ में बना ली, इस तरीके से मतलब ये साइड में भी चैन है वो आपको बना ली जाती है। तो ये यहाँ पर साइड चैन का फॉर्मेशन भी कार्बन है वो करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन के अंदर कार्बन की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब कार्बन के अंदर हम पढ़ते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये तो पढ़ ली। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हम आगे पढ़ेंगे इसका, कि शुरुआत होती है बेसिक से, तो वहाँ पे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ना होता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो ये तो बात हो गई सिंपल सी, अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि ये साइड चेन हो गई कार्बन के अंदर। अब कार्बन की डिग्री कैसे हम पता करते हैं, कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री का हम कैसे पता चलते हैं कि कार्बन की कौन सी डिग्री है, कार्बन के पास 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री कार्बन है, तो इस तरीके से अपने को पता करना होता है। तो देखो यहाँ पर डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री कैसे पता करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कार्बन की डिग्री के अंदर, कि एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से, एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है वो कार्बन की डिग्री कहलाती है, वो कार्बन की डिग्री कहलाती है। देखो अब यहाँ पे कैसे बात करेंगे कि एक कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है, उसकी डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो सिंपल सी चीज आपको बताई जाती है यहाँ पे कि ये आपका कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कार्बन है, ये इधर से जुड़ रहा है, ये इधर से जुड़ रहा है। अभी अपन ओनली कार्बन की बात कर रहे हैं ना, आगे नहीं चले हैं अभी तो आप समझिएगा इसको। ये कार्बन यहाँ पे मैंने, ये कार्बन, आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कौन सी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन है वो
चार वैलेंसी होता है, मतलब चतुसंयोजी होता है। कार्बन है वो कैसा होता है? चतुसंयोजी होता है, ठीक है। कार्बन है वो कैसा होता है? चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी का मतलब कि एक कार्बन है वो चार अन्य कार्बन से जुड़ेगा, मतलब चार बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? चार बॉन्ड बनाएगा। अब कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं इसकी हम बात करेंगे, कौन कौन से जो बॉन्ड है उसकी भी बात करेंगे। पहले तो अपन डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो डिग्री की बात करेंगे, मैंने कहा कि एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है वो आपकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। मैं बात करता हूँ कि ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, भाई कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ? तो ये कार्बन है केवल एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन कितने डिग्री हो गया? ये हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी बेस पर, यहाँ पे आपका प्राथमिक कार्बन भी होता है, प्राथमिक, द्वितीयक कार्बन भी होता है, सेकेंडरी कार्बन भी होता है, द्वितीयक भी होता है और तृतीयक भी होता है, और तृतीयक भी होता है। तो ये आपका प्राइमरी कार्बन, ये आपका प्राइमरी, ये यहाँ पे आपका सेकेंडरी, और ये यहाँ पे आपका टर्शियरी। तो इस तरीके से अपने पास तीन कार्बन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो 1 डिग्री हो गया। अब ये कार्बन है ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है और एक इधर से जुड़ रहा है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कौन सी डिग्री का होगा? ये हो जाएगा आपके 4 डिग्री का। ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये एक इससे जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है पीछे वाले से, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? ये हो गया आपका 2 डिग्री। ये कार्बन है एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन की जो डिग्री है वो कितनी हो गई? 3 डिग्री हो गई। ये कार्बन 2 डिग्री होगा क्योंकि एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है। ये कार्बन 1 डिग्री। इस कार्बन की हम बात करते हैं तो ये कार्बन कौन सा होगा? 4 डिग्री होगा भाई आपका। तो डिग्री आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि डिग्री कैसे निकालते हैं, कि एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ रहता है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब इसी से हाइड्रोजन भी अपन बात करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। यहाँ पर तो अपन ने बात की है कि कार्बन की डिग्री है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर तो कार्बन की डिग्री की बात होती है, ओके। तो ये 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे इसके ये 1 डिग्री हो गया क्योंकि एक से जुड़ रहा है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये कौन सा डिग्री हो गया? ये 1, 2 और 3, तो ये 3 से जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो अपने को ध्यान रखना है कि एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से सीधा अटैच रहता है, सीधा अटैच रहता है वो उसकी डिग्री होती है ना। तो 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, तो ये आपको सीधा सा ध्यान में रखना है कि ये कार्बन की अपनी डिग्री होती है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या होती है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अब हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन की डिग्री कौन सी होगी, इसकी भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये आपका कार्बन, अपने को पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब कार्बन है वो चार बॉन्ड के द्वारा चार ही बॉन्ड बनाता है। अब वो किसी से कम्पीट हो तो एक आपका जो कार्बन है वो केवल चार वैलेंसी बनाएगा, टेट्रा वैलेंसी शो करता है आपकी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका कार्बन इसके चार वैलेंसी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन से मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये हाइड्रोजन से जोड़ देता हूँ इसको, ये हाइड्रोजन से जोड़ दिया, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये आपका CH3, यहाँ पे ये आपका CH3, ओके। ये फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1, 2 और 3, 3 हो गई ना, एक और पूरी कर दी इसको हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ये कार्बन लगा दिया, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, और ओके। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना था, इसकी वैलेंसी ये पूरी कर दी, ये आपकी इसकी भी पूरी कर दी, ये CH3, ओके। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की हम जब बात करेंगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ये होगा कि हाइड्रोजन है वो कितने डिग्री, जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है
वो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। जितने हाइड्रोजन जौन से डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं वो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होंगी। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन कौन से डिग्री का होगा, तो ये हाइड्रोजन कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये 1 डिग्री ही हाइड्रोजन होगा। ये भी यहाँ पे डिग्री की हम बात करेंगे तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कार्बन की तो डिग्री होती है वो 4 डिग्री तक होती है, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी शो करता है तो कार्बन है, अन्य 4 कार्बन से भी वो बॉन्ड है वो बना सकता है। लेकिन जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के अंदर मैं बता देता हूँ कि आपके एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी एक हम बात करते हैं यहाँ पे आपका सेकेंडरी, और एक हम यहाँ पे बात करते हैं आपके टर्शियरी। तो जो हाइड्रोजन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 ही डिग्री के हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। हमें कौन कौन से मैंने बता दिया, ये 1 डिग्री होगा, ये कार्बन है इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये कार्बन कौन से डिग्री का है भाई, ये 1 से जुड़ रहा है, 2 3, तो ये 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो इससे जुड़ने वाला जो हाइड्रोजन होगा वो कौन से डिग्री का होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन, ओके ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये भी आपके 3 डिग्री होगा, ये भी आपके 3 डिग्री होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी आपके 3 डिग्री। यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, केवल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। और जैसे इसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री है, ये आपका कौन सा होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ये कौन सा नहीं होगा, कौन सी जुड़ा हुआ है ही नहीं भाई, जुड़ा हुआ नहीं है तो कोई सा डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एक और ये जोड़ दिया, एक और ये जोड़ दिया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिया, और पूछा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होगा वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा होगा, 2 डिग्री होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो जो जौन सी डिग्री से अटैच कार्बन से हाइड्रोजन होते हैं वो उसी की डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहलाती है, तो यहाँ पे ये आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो अभी अपन ने बात कर ली है डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की भी, तो डिग्री ऑफ कार्बन को और हाइड्रोजन के बारे में आपको पता चल चुका है कि कैसे क्या होगा, ठीक है ओके। आगे हम बात करते हैं आपके डिग्री के बाद में, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपका डिग्री ऑफ कार्बन की तो बात करते हैं कि जौन से डिग्री से जौन सा भी एल्किल ग्रुप कोई सा भी डिग्री हो वहाँ पे वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसकी, तो डिग्री हम बात कर लेते हैं कि डिग्री कौन कौन सी है यहाँ पे। तो कार्बन की डिग्री के बारे में अपन को पता है कि कार्बन के बेस पर जितने डिग्री कार्बन से जौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो ही उसका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक होगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक, मान लो कि प्राथमिक या मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे कि प्राइमरी अल्कोहल की हम बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है, ये आपका OH ग्रुप होता है। अब प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो कौन से डिग्री कार्बन से अटैच होगा, प्राइमरी अल्कोहल से, प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल और एक लिख देता हूँ यहाँ पे आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन कौन से होंगे इसकी हम बात करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर तो हम बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जैसे आपका ये लिख दिया मैंने CH3 CH2 OH। अब ये जो OH ग्रुप है ये कौन से डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। कैसे, कि यहाँ पे ये कार्बन है एक ही कार्बन से तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अपन ने अभी पढ़ा है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, कि एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ रहता है वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होती है। अब यहाँ पे अल्कोहल हुआ, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी डिग्री भी हम उसी की बात करते हैं कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे होगा। हाइड्रोजन के बेसिस में अपन ने बात कर ली है कि हाइड्रोजन 4 वैलेंसी नहीं दिखाता है ना, तृतीयक तक ही होता है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी डिग्री हाइड्रोजन की होती है। क्वार्टरनरी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 ही होती है, और 4 में जब कार्बन के द्वारा कंप्लीट हो जाती है तो हाइड्रोजन को जगह ही नहीं बचती है कि वो आपके बॉन्ड बना ले, क्योंकि 4 ही वैलेंसी होती है, ठीक है।
ये आपका CH3CH2OH, इसके अंदर आपका जो कार्बन है ये वाला कार्बन है, इससे डायरेक्ट अटैच है आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल है तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये 1 डिग्री होगा, तो इसको बोलते हैं हम ये क्या होगा एथेनॉल, ये प्राथमिक अल्कोहल होगा, ये कौन सा होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये प्राइमरी होगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम होगा आपका एथेनॉल, इसका नाम क्या होगा इथेनॉल, ओके। फिर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, तो 2 डिग्री कार्बन से यदि आपका अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो अटैच है तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, कैसे देखो, ये आपका CH3, ये मैंने CH लिख दिया, ये आपका CH लिख दिया और ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका OH, तो ये जो कार्बन है ये कौन से डिग्री का कार्बन है, ये कार्बन है ये कौन से डिग्री का कार्बन है भाई, ये कार्बन है आपका, ये कौन से डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का है ना, 2 डिग्री का ही तो है भाई, तो ये 2 डिग्री कार्बन का है, तो इसलिए यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो कौन सा होगा द्वितीयक अल्कोहल होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री कार्बन है और ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो ये होगा। अब हम बात करते हैं कि टर्शियरी की, तो टर्शियरी के अंदर क्या होगा कि ये जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, 3 डिग्री कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे आपका ये CH3, ये आपका C, ये CH3, ये आपका CH3 और ये आपका OH, ये OH, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो डिग्री है ये टर्शियरी अल्कोहल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्कोहल है वो कितने डिग्री से अटैच है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री से अटैच है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा, ये आपका होगा टर्शियरी अल्कोहल, तो ये आपके अल्कोहल, और ऐसे हम बात करेंगे, ऐसे यहाँ पे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, जो सबसे पहले अपने को टॉपिक पढ़ना है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स ही पढ़ेंगे, तो इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये टर्शियरी हो गया ना, ऐसे हम किसी की भी बात करेंगे तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही होंगे, बस एक चीज़ आपको पता रखना है, वो क्या पता रखना है वो मैं अभी बता देता हूँ, तो ये आपको पता हो गया होगा कि डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे होगा उसकी हम बात कर लें। अब आगे हम बात करते हैं कि आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स, हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको जो बेसिक चीज़ हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बेसिक के अंदर आपको क्या क्या करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके हैलोजन के अंदर, जैसे हम बात कर लेते हैं कि हैलोजन के अंदर भी ऐसे होगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले से पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ हैलोजन डेरिवेटिव से पहले, कि यहाँ पे आपका वही आपका 1 डिग्री हैलाइड है ना, प्राइमरी हैलाइड, एक तो यहाँ पे आपका प्राइमरी हैलाइड होगा, प्राइमरी हैलाइड, एक सेकेंडरी हैलाइड होगा, सेकेंडरी हैलाइड होगा, एक होगा आपका टर्शियरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे भी सिंपल सा है कि आपके डायरेक्टली कार्बन से, यदि प्राइमरी कार्बन से अटैच हैलोजन ग्रुप है तो वो आपके डायरेक्ट क्या होगा प्राइमरी हैलाइड होंगे, सेकेंडरी हैलाइड की हम बात करते हैं तो आपके ये CH3 CH और ये X और ये आपका CH3, ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन से जो अटैच हैलोजन ग्रुप है वो आपके सेकेंडरी हैलाइड होंगे, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टर्शियरी कौन से होंगे, तो टर्शियरी के अंदर ये जो आपका कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच हैलोजन होगा, तो ये आपके 3 डिग्री हैलोजन होगा ना, 3 डिग्री हैलाइड होगा, टर्शियरी हैलाइड होगा। तो अब हैलोजन के बेस में अपन कौन कौन किस किस की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हैलोजन के रूप में हम लिखते हैं यहाँ पे आपका कौन कौन सा, आपके फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हैलोजन कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये सिंपल सी अपनी बात हो गई कि यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर अपन सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे, कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर पहले सीखेंगे, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो ये आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के हैलाइड भी होते हैं जिसकी हम बात करते हैं कि जिसके अंदर
सबसे पहले तो आपके डिग्री, अब एमिन के अंदर जो डिग्री होती है, एमिन्स के अंदर जो डिग्री होती है, एमिन्स के अंदर जो डिग्री होती है वो हम किसके बेस पर देखते हैं, वो कार्बन के बेस पर नहीं देखते हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि अपने को पता है कि NH3 है वो क्या होता है, NH3 है वो होता है आपका अमोनिया। केवल एक ही ऐसा है जो कार्बन के बेस पर इसकी डिग्री नहीं बनाई जाती है, ये होता है आपका अमोनिया। अब इससे एक अपने को पता है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हम बात करते हैं तो इसका होता है आपके 1s2, यहाँ पे 2s2 और ये 2p3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, पाँच हैं। लेकिन पाँच में से नाइट्रोजन के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जो नाइट्रोजन है वो केवल बॉन्ड कितने बनाता है, तीन ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, तीन। अब मैं यदि बात करता हूँ यहाँ पे आपकी कि जो इस नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तीन, इन हाइड्रोजन की वैलेंसी को यदि मैं एक एक को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ तो वहाँ पे डिग्री ऑफ एमीन है वो बदल जाती है, डिग्री ऑफ एमीन है वो बदल जाती है, ना कि कार्बन के बेस पर बदलती है, यहाँ पर बदलती है आपके एल्काइल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से उसके बेस पर यहाँ पर जुड़ी रहती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि ये आपका अमोनिया था, यदि मैंने इसको एक एल्काइल, अब आपको बता दूं कि R जो होता है वो क्या होता है, आपका एल्काइल ग्रुप होता है। R है वो कौन सा ग्रुप होता है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है वो होता है। R कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब एल्काइल ग्रुप की बात कर ली तो यहाँ पे यदि मैंने एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप कर दिया और ये NH2 लिख दिया तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी एमीन, ये हो जाता है आपका क्या, प्राइमरी एमीन हो जाता है, ठीक है। यदि मैंने इस हाइड्रोजन की एक और वैलेंसी को एल्काइल ग्रुप के द्वारा कंप्लीट कर दिया, तो एल्काइल ग्रुप के द्वारा कंप्लीट कर दिया तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R NH और ये R। तो यदि मैंने इसको हाइड्रोजन की एक और वैलेंसी को एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी एमीन, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी एमीन। और यदि मैंने इस एल्काइल ग्रुप को, यदि तीनों हाइड्रोजन को मैंने एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया तो वो हो जाएगा आपका टर्शियरी एमीन, ये क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी एमीन हो जाएगा, तृतीयक एमीन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के अंदर आपका कार्बन के बेसिस पर नहीं बनाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन से जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं उनके बेस पर हम बताते हैं क्या कि डिग्री ऑफ एमीन कौन सी होती है। तो एमीन के अंदर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एमीन के अंदर जो डिग्री ऑफ एमीन है वो क्या होती है आपकी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो होती है लेकिन किसके बेसिस पर होती है कि नाइट्रोजन के, जो नाइट्रोजन है उससे कितने एल्काइल ग्रुप हैं वो आपके जुड़े हुए हैं उसके बेस पर आपके होती है, ठीक है। ये आपको एमीन के अंदर थोड़ा सा है वो पता चल गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ एल्काइल ग्रुप होते हैं, कुछ यहाँ पे अपने को नाम भी लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले एल्काइल हैल है, जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसी की हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हैलोजन के जो डेरिवेटिव थे, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स अपने को पढ़ने हैं और हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले अपने जो नाम हैं वो, जैसे सबसे पहले तो इनका फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को एल्किन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पता होना चाहिए कि अपने तीन टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपके दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको बता दूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर यदि हम बात करें, ये यहाँ पे अनसैचुरेटेड,
यदि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ओनली आपके आते हैं एल्केन, ओनली क्या आते हैं आपके एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके आते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके अंदर आते हैं आपके दोनों एल्कीन और आती है आपकी एल्काइन। एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि एल्केन के अंदर जो आपका बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन के अंदर जो आपका बॉन्ड होता है वो आपके डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन के अंदर होता है वो आपके ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपके बॉन्ड हैं, वो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन के अंदर ये आपके बॉन्ड होते हैं। इनका जो जनरल जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की अपन बात करें कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, CnH2n+2 ये आपके एल्केन्स का फॉर्मूला होता है। एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे CnH2n ये इसका एल्कीन का होता है, और यहाँ एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो अपने को हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन की हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सा इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं वो और बता देते हैं, फिर अपन बाकी का है वो और बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। ठीक है, देखो ये सबसे पहले एल्केन की बात कर लेते हैं, एल्केन, फिर यहाँ पे एल्कीन, और ये यहाँ पे एल्काइन। तो एल्केन एल्कीन एल्केन के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला पता है क्या है, CnH2n+2। तो CnH2n+2 के अंदर जो फॉर्मूला होगा अपना क्या है, जैसे मैंने लिख दिया मान लो CH4, CH4 अपने को पता है कार्बन का नंबर, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2n है ना, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दी 1, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये CH4 सिंपल सा अपना फॉर्मूला जाता है, इसको बोलते हैं मैथेन, इसको बोलते हैं मैथेन। अब अपन बात करते हैं कि एल्केन के अंदर तो 1 कार्बन जरूरी होता है, लेकिन एल्कीन के अंदर ध्यान रखना है कि एल्कीन के अंदर फॉर्मूला क्या था, CnH2n, मतलब यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि जो मैथीन है वो कभी भी नहीं बनता है, सबसे जो फर्स्ट कंपाउंड होता है एल्कीन का वो क्या कौन सा होता है, एथीन होता है, सबसे जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है इसका वो होता है एथीन। तो ये यहाँ पे इसके CH2 और ये CH2, बाकी की जो वैलेंस है वो हम हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे एल्काइन के अंदर हम बात करते हैं कि एल्काइन का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, CnH2n-2, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन का नंबर है वो क्या होता है, इससे 2 कम और होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जैसे एक चीज़ पता है कि इसके कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है। अब वैलेंसी अपने को पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी वो टेट्रा वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी के अंदर 3 वैलेंसी है वो ट्रिपल बॉन्ड ने कंप्लीट कर लिया, बची कितनी, 1, तो 1 वैलेंसी वो हम हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपका सबसे फर्स्ट कंपाउंड बनता है एल्कीन और एल्काइन के अंदर 2 कार्बन जरूरी होते हैं, ये आपका होता है इथाइन, ये आपका इथाइन होता है। तो अपने को सिंपल सा तो यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर 2 कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो जरूरी होते हैं, इसके अंदर एल्कीन और एल्काइन जरूरी होते हैं, इसके अंदर आपके 1 कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, ये यहाँ पे आपके ना तो कोई मैथीन बनती है और ना ही यहाँ पे कोई मिथाइन बनता है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ना तो यहाँ पे मिथाइन बनता है और ना ही यहाँ पे मिथाइन होता है, तो ये दोनों कार्बन कंपाउंड नहीं बनते हैं, अपने एल्कीन और एल्काइन के अंदर आपके कौन से बनते हैं, ये दो ही बनते हैं। तो ये एग्जांपल है आपको ध्यान रखने। और जैसे अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे CH4 हो गया, यहाँ C2H6 हो गया, यहाँ पे आपका हाँ ये C2H6 हो गया ना, C2H4 की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे C2H4, और यहाँ पे C2H2 हो गया, ऐसे यहाँ पे C3 आपका H6 हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C3H8 है ना, C3H8। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे एग्जांपल अपन कर सकते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के। फॉर्मूले के अंदर आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू है नंबर ऑफ कार्बन्स है,
और इनका जो प्रीफिक्स सफिक्स है, जो सफिक्स क्या लगाते हैं हम इन, इसके अंदर जो जब भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसके अंदर एन लगेगा सफिक्स, इसके अंदर इन लगेगा और इसके अंदर आइन लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि आपके एल्केन एल्कीन एल्काइन के अंदर जो आपका सफिक्स है जो अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न क्या लगेगा एन इन और आइन। तो जब भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसके अंदर आपको एन इन आइन और ये बेसिक सी चीज़ें आपको बताई हैं, तो बेसिक सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम आगे का पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।